प्रथम बीए का जो व्याकरण है इससे संबंधित चर्चा परिचर्चा पिछले क्लासों में हम कर चुके थे। वहां पिछले क्लास में विशेषकर हम संज्ञा से परिचित हुए थे। संज्ञा का अर्थ है नाम, नामवाची शब्द संज्ञा है। शब्द के जिस रूप से नाम का बोध होता है वह संज्ञा है। जीव निर्जीव या भाव को सूचित करने वाला शब्द संज्ञा है, अथवा किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति स्थान समूह भाव आदि को सूचित करने वाला शब्द संज्ञा है। इसके पांच भेद हैं, व्यक्ति जाति समूह द्रव्य भाव, व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक द्रव्यवाचक और भाववाचक, इस संज्ञा के भेद हैं। इनसे हम परिचित हुए, इसे आज फिर अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए दोहरा दिया आपके मन में ये विचार सदा के लिए रहे। और उसके बाद आज हम देख लेंगे सर्वनाम, जिसे शब्द ही बताता है। देखिए सर्वनाम, सर्वनाम विकारी शब्द का दूसरा भेद है। विकारी के चार भेद हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। इस संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम विकारी शब्द का दूसरा भेद है, जैसा बताता है सबके नाम के स्थान में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। सबके नाम के स्थान में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सर्वनाम की जरूरत इसलिए है कि हर वाक्य के आरंभ में संज्ञा का इस्तेमाल करते जाते तो वह सुनने वालों के लिए देखने वालों के लिए असुंदर लगता है, रुचिकर लगता है। जैसे देख लेंगे, राम रामायण का नायक है, राम सीतापति है, राम दशरथ पुत्र है, राम लक्ष्मण का भ्राता है, राम वन चला गया, ऐसे वाक्यों में हम हर वाक्य के आरंभ में राम कहानी के आरंभ में अंत तक आरंभ से अंत तक राम राम का गुणगान करते जाते तो वह असुंदर लगेगा। इस असुंदरता को दूर करने के लिए उस स्थान में वह अथवा यह वस्तुवाची है तो यह व्यक्तिवाची है तो वह वह, अथवा जानवरवाची है तो वह वह, इस प्रकार यह वह ये वे कोई कुछ कौन इत्यादि सर्वनाम है। याद रखिए, यह वह ये वे कौन कोई क्या जो सो सभी इस सर्वनाम के लिए उदाहरण है, इसे सर्वनाम कहा जाता है। और इस सर्वनाम के अंतर्गत देख लेंगे, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। यह परिभाषा किसके सर्वनाम की, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द है, उसका प्रयोग संज्ञा के स्थान में किया जाता है। ध्यान दीजिए, सर्वनाम विकारी शब्द है, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान में किया जाता है। जैसे मैंने पिछले वाक्य में कहा राम राम राम, वाक्य के आरंभ में वह राम के स्थान में वह अथवा वे का प्रयोग हम करते हैं तो हमें पता चलेगा भाषा का उद्देश्य तो यही है, इसलिए राम के स्थान में वह का इस्तेमाल करते हैं। राम सीतापति है, वह वन चला जाता है, उसके साथ उसका भाई लक्ष्मण भी है, पत्नी को लेकर वह चला गया, ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं वह वे उसके सभी इस सर्वनाम के लिए उदाहरण। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम ये सभी हैं, सर्वनाम के छह भेद हैं। जैसे संज्ञा के पांच भेद हैं वैसे सर्वनाम के छह भेद हैं। उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिए, इन शब्दों को याद में रख लिए तो आपको इस सर्वनाम का पूरा पता लग जाएगा। पुरुष निश्चय अनिश्चय निजा प्रश्न संबंध, पुरुष निश्चय अनिश्चय निजा प्रश्न संबंध, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुष निश्चय अनिश्चय निज प्रश्न संबंध, ये छह सर्वनाम के प्रकार हैं। इनसे हमें परिचित होना होगा। पहला भेद है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले सुनने वाले जिनके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों के स्थान में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है।
सर्वनाम के छह वेद है, मैंने बता दिया। इन छह वेदों को आज हम बता नहीं सकते, हम आज मात्र दो वेदों को देख लेंगे। सर्वनाम के दो वेदों को आज की कक्षा में देख लेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह है जिनसे बोलने वाले, सुनने वाले, जिनके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों के स्थान में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन तीनों के स्थान में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले के स्थान में याद रखिए, ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूं, हम बोलते हैं, या मैं और हम, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। वैसे ही यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ध्यान देने की बात क्या है, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, ये सभी इस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन वेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इस पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन वेद हैं। इस उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है मैं और हम, मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं, या बोलने वाले के स्थान में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सुनने वाले के स्थान में जिस सर्वनाम का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम, तू, तुम और आप। यह सुनने वाले के स्थान में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है या मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तू सुन, तुम सुनो, आप सुनिए, या तू, तुम और आप इस मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। और उसके बाद आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष जैसे ही बताता है, सुनने वाले बोलने वाले दोनों को छोड़कर, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को छोड़कर और किसी के बारे में कुछ कहा जाता है बाहर के लोगों के बारे में, इसे कहते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए यह, वह, ये, वे उदाहरण है। उदाहरण के लिए हम बाहर देखकर बताते हैं कि वह बंदर है, वह उल्लू है, वह उल्लू बेटा है, वह उल्लू बेटी है, वह बंदर है, वह बेवकूफ है। ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं कि वह इस अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, जिनके बारे में कुछ कहा जाता है, इन तीनों के स्थान में इसका इस्तेमाल होता है। यह, वह, तू, तुम, आप, मैं, हम, ये सभी इस पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब हम इस पुरुषवाचक सर्वनाम से परिचित हुए और उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुष निश्चय, अनिश्चय, निज प्रत्यय संबंध, वहां इस पुरुष निश्चय, अनिश्चय, निज प्रत्यय संबंध में पुरुष से परिचित हुए, बोलने वाले, सुनने वाले, उनके बारे में कुछ कहा जाए, ये तीनों इस पुरुषवाचक के उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम से यह पता चलता है निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध इधर होता है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध इधर होता है। यहां देखिए अन्य पुरुष में जो यह, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष में जो यह, वह अथवा ये, वे, ते, वही इस निश्चयवाचक में भी उदाहरण है। इस निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखिए, वह उल्लू है, वह बंदर है, वह हाथी है, ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं कि ये सभी इस निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध इधर ठीक प्रकार से होता है। वह उल्लू है में निश्चित बोध हुआ कि वह उल्लू है, वही उल्लू है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक, निश्चित वाचक सर्वनाम अथवा निश्चय वाचक सर्वनाम, इसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध इधर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं सर्वनाम संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है। सर्वनाम विकारी शब्द है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बार बार के प्रयोग करने से जो वाक्य का बद्धापन है इसे बोलने के लिए, दूर करने के लिए होता है। और इस सर्वनाम के छह भेद हैं, इनमें पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम से हम आज की कक्षा में परिचित हुए। और यहाँ
आज की कक्षा मैं समाप्त कर लूंगा और अगले क्लास में फिर हम देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, सर्वनाम के दो भेद से परिचित हुए, बाकी चार भेद अगले क्लास में देख लेंगे। आज के लिए यही समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।